कंगना रनौत की किसानी अंदोलन बारे टिप्पणी का सख्त लहजे च नोटिस लैंदियां गुरमीत सिंह जम्मू ने कहा कि कंगना रनौत ते नकली शक्तिमान मुकेश खन्ना किसानी अंदोलन नूं बदनाम करन लई बेतुकियां टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्हां शूरमियां जरनैलां सूरबीरां दीआं जन्मदातियां मावां दी अमीर विरासत की याद दिवाउंदियां सख्त लहजे च कंगना नूं लाणतां पाईआं हन। बॉलीवुड दी इक एक्टर कंगना रनौत अते नकली शक्तिमान मुकेश खन्ना वल्लों एक कृषि कानून बिलों नूं लैके देश भर के किसानों वालों चल रहे अंदोलन खास करके पंजाब के किसानों वालों जो इस अंदोलन की शुरुआत की गई उन्हों लैके एक ट्वीट जड़ा है वह मुकेश खन्ना नकली शक्तिमान अते बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत वालों किया गया जिस दे विच उन्हां ने जिथे कि इन्हां किसानों नूं फर्जी किसान अंदोलन दस्सिया है उत्थे ही बॉलीवुड दे एक्टर कंगना रनौत जिसने पंजाब दे किसानों दे उत्ते कटाक्ष करदे आ साडियां बजुर्ग एक माता दी फोटो नूं टैग करदियां होया लिखिया कि यह 100-100 रुपए दे दिहाड़ी दे उत्ते जड़े ने फर्जी तौर ते उत्ते इन्हां नूं खरीद के इन्हां मातावां नूं इस अंदोलन दे विच शामिल किया गया। कंगना रनौत तू एक औरत है ते औरत होण दे नाते मेरे गुरु ने यह नहीं सिखाया कि तेरे बारे मैं कोई ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करा जिस दे उत्ते मैनू अफसोस होए पर मैं तेनू यह गल जरूर कहनी चाहांगा कि जरा इतिहास दे पिछोकड़ वाले पासे झात मार के देख कि यह उही पंजाब दीआं सूरबीर मावां ने जिन्हां दी कुखां दे विचों सरदार बघेल सिंह जस्सा सिंह आलोवालिया जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार चढ़त सिंह महाराजा रणजीत सिंह हरी सिंह नलवा सरदार कपूर सिंह वर्गे योद्धे पैदा होए जिन्होंने अहमद शाह अबदाली नादर शाह दुरानी वर्गे जरवाणिया दियां फौजां दियां रफ्तारां नूं थम के रख दिता रोक के रख दिता जड़े पूरे भारत वर्ष दियां इज्जतां ते आबरों नूं लुट के तुहाडियां बहु बेटियां नूं इत्थों बंदी बना के गजनी ते बगदाद दे शहरां दे विच जाके टके टके उत्ते जाके निलाम करदियां सन ते उही मावां ने जिन्हां नूं तूं 100-100 रुपए ते विकण वाला कहा है जे इह उह सूरबीर योद्धे ना पैदा करदियां ते कंगना रनौत अज तेरे वर्गियां हजारां जिहड़ियां ने अज अफगानी पठाना ते इन्हां जरवाणियां दे हरमां दियां शोभा वधा रहियां हुंदियां तेनूं शर्म आनी चाहीदी है फर्जी राष्ट्रवादी के तू उना सूरबीर मावा जिन्हां दी बदौलत जिन्हां ने अपने कुखां तों इहो जिहे सूरबीरां नूं पैदा कीता ते जिन्हां ने उना जरवाणियां दे मूंह मोड़ दित्ते ते अज तुसी आजादी दे विच आजाद फिजा दे विच तुसी अज साह लै रहे हो ते उना मावां दे उत्ते तू इहो जिहे कटाक्ष करदी है इह कोई तेरी फिल्म नहीं कि तू एक डायरेक्टर दी फिल्म साइन कीती ते उत्थों पैसे घट मिले ते जिधरों दूजे पासों ज्यादा मिले ते उस फिल्म नूं छड्ड दित्ता ते उह फिल्म ज्वाइन कर लई इह अपने हक्कां दे वास्ते इह पंजाब दे धरती दे अणखी सूरबीर योद्धे ने यह साड़ियां मावां जड़ियां ने माई भाग कौर दियां वारसां ने जड़े अपने हक्कां दे वास्ते संघर्ष कर रही ठड़ दियां इन्हां रातां दे विच पंजाब तो तुर के दिल्ली तक जड़े गए ने ते ओ राष्ट्रवादी मुकेश खन्ना नकली शक्तिमान जड़ा यह गल कहिंदा है यह फर्जी राष्ट्रवादी ने यह फर्जी किसान अंदोलन है ते यह ट्वीट दे विच गल लिखदा है कि कुत्ता भी जिस घर की रोटी खांदा ते वफादारी निभांदा है ओ फर्जी नकली शक्तिमान जिस किसान दा पैदा कीता होया खेत दे विचों मेहनत करके पैदा कीता होया अन्न जिस अन्नदाते दा तू खा रहा है ते उन्हां नूं फर्जी दस रहा है ते फिर ख्याल कर तेनू असीं उस कुत्ते नाल भी तेरी तशबीह नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वफादारी दे उत्ते जिहड़ा इह कटाक्ष होएगा कुत्ते दी वफादारी ते सवाल खड़ा होएगा। इस वास्ते बेईमान तू आप है विश्वासघात तू आप कर रहे हैं जिस अन्नदाता दा पैदा कीता होया अन्न खा के उसे नूं फर्जी दस रहे हैं ते इल्जाम दूसरियां दे उत्ते ला रहे हैं कि दूसरे विश्वासघाती ने आसान फरामोश ने तुहाड़े वर्गे आसान फरामोशां दा भारत धरती भी नहीं सरदी क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भारे पोई अकिरत कन मंदी हो मंदे। फर्जी राष्ट्रवादियो तुहाडे नूं मैं एक सवाल पुछना चाहुंदा एक सवाल दा जवाब दिओ कि देश की आजादी दी जंग चली ते उस जंग दे विच 121 फांसी चढ़े जिन्हां दे विचों 93 जड़े सन इस पंजाब दी धरती दे विच दे पुत्र सन जे किधर 2626 नूं उम्र कैद होई ते उन्हां विचों 147 जड़े सन उम्र कैद दी सजा भुगतन वाले ओ इस पंजाब दी धरती दे इन्हां मावां दी कुखां दे विचों पैदा होए सन जिन्हां नूं तो 100-100 रुपए दे विकण वाला कह रही है ते उस समय अंग्रेज भी इह गल कह सकदे सन कि जद पूरा भारत वर्ष जड़ा है
ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।